अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फरीहा फैशन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बॉटल्स का क्राफ्ट, बहुत ही खूबसूरत से आइडियाज़। आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती से पुरानी और बेकार बॉटल्स को किस तरह से और किस कदर खूबसूरती से और किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है बॉटल्स को, और किस कदर खूबसूरत ये जो है वो इनके डेकोरेशन आइडियाज़ बनाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको मेरी इस वीडियो में बॉटल्स का एक से एक आइडिया जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारे और प्रीटी आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी हैं। अगर आप लोग चाहें इन्हें बनाना किसी भी आइडियाज़ को, तो आप लोग ईज़िली बना सकते हैं, क्योंकि क्राफ्ट के आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप लोग इजीली बना सकते हैं, बहुत ही प्यारे और हसीन लगते हैं अपने घरों को, अपने रूम्स को और किसी भी एरिया को जहाँ पे आप डेकोरेशन करना चाहें आप लोग कर सकते हैं अपने मुताबिक, तो अपनी चॉइस के मुताबिक। तो उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प मिलने वाली है बॉटल्स से रिलेटेड। व्यूवर्स, हमारे घरों में और तकरीबन सभी घरों में बॉटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ हम जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, साइड पर रख देते हैं कि हमने इसे जो है वो कबाड़ी को दे देना है, बेच देना है। लेकिन आप लोग इसे अपने सोच के, अपने माइंड के मुताबिक और इस्तेमाल में ला सकते हैं, खूबसूरती से इन्हें बड़े ही प्यारे से तरीके से इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। तरह से कर सकते हैं। तो बोतलों को आप लोगों को बेकार नहीं समझना चाहिए, ना ही इन्हें फेंकना चाहिए, बल्कि इसे आप लोग काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं और इन्हें तरह तरह के डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, डेकोरेट किया जा सकता है, इनको अपने घरों को सजाया जा सकता है। आप लोग देख रहे हैं कि किन किन तरीकों से, किन किन कामों में बोतल्स का इस्तेमाल किया गया है और किस कदर खूबसूरत लग रही है। ये सजावट जो है वो अलग है घर की, और हुनर जो है वो अलग है, और खूबसूरती जो है वो अलग आती है आपके घर की, तो ये बात फिर और होती है। तो और अगर हम व्यूअर्स थोड़ी सी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करें अपनी, तो हम पुरानी से पुरानी चीज़ को भी हसीन और खूबसूरत बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग ये बॉटल्स देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल सी बॉटल्स, और बॉटल्स की कई शेप्स होती हैं, कई साइज़ होते हैं, तो आप लोग किसी भी शेप की बोतल को, किसी भी साइज़ की बोतल को इस्तेमाल में ला सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने मुताबिक, अपने रूम्स के मुताबिक। और वो चीज़ें जो कारामद नहीं होती, हम उन्हें कारामद बना सकते हैं, उन पर पेंट कर सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं। व्यूअर्स, ये पूरी वीडियो होम डेकोरेटेड से रिलेटेड है, जो कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हद तक हेल्पफुल साबित हो सकती है, बहुत ज़्यादा काम आ सकती है आपकी वीडियो। तो आप लोग वीडियो को भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके भी ये वीडियो काम आ सके। और बॉटल्स को इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए, उन इस्तेमाल में लाना चाहिए, कुछ अपने घर में डेकोरेशन करनी चाहिए। और ये आप लोग देख सकते हैं कि प्लैनेट को किस तरह से डेकोरेट किया गया है, बोतल के अंदर लगाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत और हसीन लग रही है। ये हैंड बैग बनाया गया है बोतल के ज़रिए से। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं कि किस कदर बोतल्स के साथ डिज़ाइनिंग की गई है, उनको इस्तेमाल में लाया गया है और उन्हें फेंकने से बचाया गया है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।